here. Welcome or welcome back to my channel. This is Parni. I hope you all are doing good. So today in this video lesson, we are going to discuss how you could improvise your communication skills. I mean your English communication skills. आज आप डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जिन्हें फॉलो करके तुसी डे टू डे लाइफ दे विच डेली लाइफ दे विच अगर उन्होंने प्रैक्टिस करोगे तुसी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट नोटिस करोगे अपने आप दे विच इंग्लिश नू लैके क्लियर सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ओके नंबर 1 टिप इज द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज योर कॉन्फिडेंस यस हुण देखो अगर तुहानू अंदरों है कि मैं इंग्लिश बोला बट तुहानू एक कॉन्फिडेंस नहीं है तुहानू नहीं है कि मैं जे किसी होर परसन दे नाल किसी थर्ड परसन दे नाल गल करूंगा तो मेरे तो वधिया तरीके नाल गल होएगी या नहीं होएगी या फिर मैं उत्थे फंबल करूंगा फिलर्स आनगे शिवर तो नहीं करूंगा है ना तो तुसी सब तो पहला की करना अपने अंदर कॉन्फिडेंस लैके आना कॉन्फिडेंस नूं अपने अंदर डेवलप करो तुसी किवें कर सकते हो वह तुसी खुद कर सकते हो कोई होर नहीं कर सकता हाँ ये हो सकता है कि होर तुहानू मोटीवेट जरूर कर सकता है कोई होर थर्ड परसन कोई होर बंदा बट अगर तुसी इंग्लिश बोलनी चाहते हो या मैं कहूँगी कोई भी लैंग्वेज बोलनी चाहते हो तो उदों अगर तुसी सब तो पहला अपने अंदर का डर अपने अंदर का फोबिया दूर करोगे दैट विल डेफिनेटली हैल्प यू टू इम्प्रोवाइज योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स तो नंबर 1 इज यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस तुसी अपना कॉन्फिडेंस हमेशा की करना है बूस्ट करना है हमेशा कदे भी अपने आप नूं लो साउंड नहीं करना जो भी इंग्लिश की गल आउंदी है कदे भी डरना नहीं है क्लियर सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज हैजिटेशन और आई मस्ट से हाउ यू कुड ओवरकम योर फोबिया हुण सानू एक हैजिटेशन हुंदी है अंदरों एक डर हुंदा है कि जो मैं इंग्लिश की गल करूंगा कितने मैं गलत तो नहीं गल करूंगा या फिर जो मैं गल करूंगा जेरे होर परसन ने मैनू कोई सुन रहे ने वेन एवर समवन इज वॉचिंग मी या समवन इज लिसनिंग टू मी विल दे मेक फन ऑफ मी और नॉट है ना मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे या मेरे पीठ पीछे कोई गल्लां तो नहीं करेंगे या फिर किसी होर को जाके मेरी कोई चुगली तो नहीं करेंगे ये चीज़ा साडे माइंड दे विच हमेशा बहुत ज्यादा घूमदिया रहिंदियां ने यही चीज़ा ने जिहड़ियां सानू डायलेमा दे विच पाउंदियां ने कि मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा गाइज यू हैव टू ओवरकम दिस फोबिया ये फोबिया नूं ओवरकम करो अपनी हैजिटेशन नूं प्रॉपर वे दे नाल दूर करो होर की कर सकते हो ये जिहड़ी एक नैगेटिव थिंकिंग है पैसिमिस्टिक थिंकिंग है इसनूं ओवरकम करो ठीक है इनू तुसी खुद ही दूर करना है अगर तुसी खुद पॉजिटिव सोचोगे तो ही जिहड़ा होर परसन है वह तुहाडे बारे जाके पॉजिटिव सोचेगा जे तुहानू अपने ते कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई होर बंदा तो तुहाडे ते कदे भी कॉन्फिडेंस कर ही नहीं पाउंदा कदे भी तुहाडे ते ट्रस्ट नहीं कर पाएगा क्लीयर सब तो पहला कॉन्फिडेंस डेवलप करो सेकंड इज ओवरकम करो अपना फोबिया किस चीज का हेजिटेशन का क्लियर नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज न्यू वर्ड्स लर्न न्यू सेंटेंसेस एवरी डे हुण देखो हमेशा की करो अपना एक सेट ऑफ वर्ड्स है जेड़ा गोल सेट करो है ना कि मैं डेली इन्ने वोकेबलरी वर्ड्स लर्न करने ही करने हैं अगर अपनी लिस्ट बनाओ 10 वर्ड्स तुसी डेली कर रहे हो 15 वर्ड्स डेली कर रहे हो उन्होंने की करो अलग तो नोट डाउन करो जॉट डाउन करो कॉपी पे फिर उन्होंने डे टू डे प्रैक्टिस करो आई मस्ट रिकमेंड कि वो जेडे वर्ड्स ने उन्होंने कल्ले प्रैक्टिस ना करो उन्होंने तुसी प्रैक्टिस करो थ्रू सेंटेंसिस जो वो वर्ड सेंटेंसिस दे विच आउणगे फिर तुहानू जल्दी चीज़ां समझ आउणगियां क्लीयर होंगिया तो फोकस माइंडसैट बनेगा फिर तुम देखो अपने आप वो चीज़ा थोड़े मुँह चो निकलनगियाँ इंग्लिश थोड़े मुँह चो अपने आप निकलन लगेगी ठीक है वो चीज़ा लर्न करो इंकलकेट करो तो एक प्रॉपर सैट बनाओ ठीक है फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप हेयर इज टू प्रैक्टिस यस हूँ देखो चीज़ा तुम जॉट डाउन कर लिया तो प्रॉपर लिस्ट पई है थोड़े बच्चे कॉन्फिडेंस आ गया हैजिटेशन नहीं है बट तुम उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे मन के सोच रहे हो कि हूँ मैं ये चीज़ा आंदियां ने मैं कर लूंगा बट विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होएगा बिकॉज तुम फेमस कोर तो सुने ही होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जो तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारी मेहनत सारा हार्डवर्क विल गो इन वेन सारा वेस्ट जाएगा है ना कोई फायदा नहीं होएगा उन्नी मेहनत करेगा तो डेली बेसिस से प्रैक्टिस करो है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो इस तुम बिना अपनी फैमिली के अपने कलीग्स के नाल अपने वर्कप्लेस से प्रैक्टिस करो जो भी चीज़ा तुसी सीखियां ने उन्होंने सेंटेंसिस बना के खुद रिकॉर्डिंग करो बी योर ओन मेंटोर जो तुसी खुद रिकॉर्डिंग करके अपनी चीज़ों नू दोबारा सुनोगे ना रीलिसन करोगे फिर देखो चीज़ा तुसी किवें उन्होंने ड्विंडल करोगे तुहानू किवें रेक्टिफाई करोगे सारिया चीज़ों नू ते किवें तुहाडे विच डे बाय डे लिटल बाय लिटल इंप्रूवमेंट खुद नोटिस हुंदी जाएगी फाइन फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप हेयर इज टू तुसी की करो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ प्रॉपर प्लान करो स्केड्यूल बनाओ कि मैं डेली या मॉर्निंग आस या फिर रात में सौन तो पहला हाफ एन आवर मैं एक पूरे अपने डे दे विचों कढ़ना ही कढ़ना है जदों मैं की करा
कोई वधिया नॉवल पढ़ सकदा मैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकदा है ना, या फिर कोई कॉम्प्रीहेंशन नू मैं पढ़ा, तुसी कुछ भी पढ़ सकते हो। इवन तुसी पॉडकास्ट नू नाल नाल पढ़ सकते हो, नाल नाल तुसी लिसन कर सकते हो, इहदे नाल तुहाडीआं लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग स्किल सारियां इंप्रूव होणगीआं है ना। जदों सारियां इंप्रूव होणगीआं फिर एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा, एक दे नाल एक जिवें फ्री चीज आपां कह दिंदे आ ना, ओह चीजां तुहानूं वर्क करनगीआं। क्लीयर? तो वो चीज़ों तुम की कर सकते हो, डेली बेसिस से उन्होंने प्रैक्टिस करो। जो तुम एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करोगे, कोई नॉवल पढ़ना स्टार्ट करोगे, वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है ना, तुम्हारी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है, फिर जो वर्ड्स अपनी स्पीकिंग के लैके आओगे तो स्पीकिंग भी इंप्रोवाइज होएगी। उन्होंने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, किस तरह सेंटेंसिस लिखते हैं, किमें वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरीके फिर तुम बोलना स्टार्ट करो। क्लीयर? सो दैट्स ऑल गाइज फॉर टूडे। ये सारिया टिप्स एंड ट्रिक्स जो तुम फॉलो करोगे डे टू डे लाइफ के डेली रूटीन के, डेफिनेटली आई कैन बेट तुसी डेफिनेटली इंप्रोवाइज करोगे अपनी स्पीकिंग स्किल्स, एंड यस तुसी नोटिस करोगे अपने विच इंप्रूवमेंट। क्लीयर? फिर भी जो तुम्हें कोई डाउट नहीं, डू राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन और फील फ्री टू राइट मी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।